हेलो, क्या चल रहा है फोन में? क्या चल रहा है फोन में? याद रखना, परमेश्वर सब कुछ देखता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है और नए पावरफुल वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही प्रभावशाली है, आपके दिल पर बातें लगेंगी और आपका मन 100% बदल जाएगा। हेलो, क्या चल रहा है? बिस्तर में क्या चल रहा है? चादर में क्या देख रहे हो? फोन में क्या देख रहे हो? आज बहुत सारे मसीही लोग पाप में डूबे हैं, गुनाहों में डूबे हैं, व्यभिचार में डूबे हैं, पाप करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, चद्दर में माता पिता बोलते हैं, शायद बच्चे पढ़ रहे हैं, अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, दरवाजा बंद करके बिस्तर में चद्दर में ओढ़ कर कुछ और ही चलता रहता है। पाप करते हैं, गंदे वीडियो देखते हैं, सेक्स वीडियो देखते हैं, चैटिंग करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, गंदे गंदे मैसेज करते हैं। हेलो, क्या चल रहा है? याद रखना, तुमने माता पिता से, बाप से, माँ से छिप कर पाप कर सकते हो, पाप करते हो। आपके माता पिता तो जानते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, मगर याद रखना, तुम्हारा बाप जो स्वर्ग में यहोवा जलाल बैठा है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है। कहाँ भागोगे? क्या देखोगे? क्या देख रहे हो चद्दर में? क्या देख रहे हो? जागो, यीशु मसीह सब कुछ देखता है, यीशु मसीह सब कुछ देखता है। तुम जो पाप कर रहे हो, तुम जो गुनाह कर रहे हो, तुम जो व्यभिचार कर रहे हो, तुम जो गलत चैटिंग कर रहे हो, गलत मैसेज कर रहे हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, याद रखना यहोवा जलाल सब देखता है, वो परमेश्वर है, उसकी नजरों से आप छिप कर पाप नहीं कर सकते हो। अभी तो बड़े मजे से चादर ओढ़ कर फोन चलाते हो। जो दुष्ट आत्माएं हैं आपके कान में भुनभुनाती रहती हैं, बोलती रहती है, ये देख, वो कर, पाप कर, मैसेज कर, गर्लफ्रेंड से बात कर, आज ये हो रहा है, चद्दर ओढ़ कर पाप हो रहा है, खून से पाप हो रहा है। याद रखना, दुष्ट आत्मा आपको जीने नहीं देंगी। दुष्ट आत्मा आपके कान में भनभनाती रहती हैं, शायद सोचते रहते हैं, मैं तो अब पाप कर लूंगा, एक बार पाप कर लूंगा, दो बार पाप कर लूंगा, परमेश्वर मुझे माफ कर देगा। याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ के पाप करते हैं तो उसके पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, सिर्फ उसके लिए एक ही रास्ता है और वह नरक की आग जो विरोधियों को भस्म करेगी। याद रखना, अभी तो चद्दर ओढ़ के देखने में बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो चद्दर ओढ़ कर फोन छिप के चलाने में, गर्लफ्रेंड से बात करने में, मैसेज करने में बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो चद्दर ओढ़ के सेक्स वीडियो देखने में बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है। जो शरीर में आपके गर्मी भरी है, ये सारी गर्मी परमेश्वर निकाल देगा दो मिनट में, उसी अंधकार के आग में खींच तान के स्वर्ग नरक में फेंक देंगे, स्वर्गदूत नरक में फेंक देंगे, खींचतानी करके फेंक देंगे और नंगे ही डालेंगे, बिना वस्त्र के आपको स्वर्गदूत नरक में फेंक देंगे। परमेश्वर किसी के ऊपर रहम नहीं करेगा। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है चद्दर ओढ़ के फोन चलाने में, अभी तो माता पिता से छिप कर पाप करने में बड़ा मजा आ रहा है। अरे माता पिता सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अरे माता पिता सोचते हैं मेरा बच्चा अच्छा काम कर रहा है, माता पिता को कुछ मालूम नहीं होता है। याद रखना, तुम्हारे माता पिता को नहीं मालूम है, जो परमेश्वर बैठा है वो सब कुछ देखता है। सीसीटीवी कैमरा फेल हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर की आंखें कभी फेल नहीं हो सकती हैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब 34:21-22, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पे लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधेरा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है जिसमें अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले छिप सकें। यहाँ पर परमेश्वर का जन साफ साफ कहता है, ऐसा स्थान, कोई अंधकार, कोई स्थान परमेश्वर ने नहीं ठहराया है मनुष्य का, कि मनुष्य परमेश्वर की नजर से जाके छिप के पाप करे। तुम जो छिप छिप के चद्दर में पाप कर रहे हो, तुम जो छिप छिप के सेक्स वीडियो देख रहे हो, तुम जो छिप छिप के चद्दर ओढ़ के रजाई ओढ़ कर जो गंदे काम करो, हरकतें करो अपने फोन में, याद रखना परमेश्वर सब कुछ देखता है। ऐसा अंधेरा कहीं भी नहीं है जिसमें मनुष्य छिप सके, जिसमें मनुष्य पाप कर सके, जिसमें मनुष्य गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सके, परमेश्वर सब देखता है। और याद रखना, इन सारी बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। अभी तो बुद्धियां बंद हो चुकी हैं आपकी, अभी तो मजा आ रहा है,
अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो चादर ओढ़ के देखने में मजा आ रहा है, अभी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, अभी कुछ समझ में आ रहा है, अभी आपका विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ना। तो याद रखना, परमेश्वर भाई लिस्ट खोल के दिखा देगा और कहेगा देख ले तूने क्या क्या किए हैं, तूने कौन कौन सा पाप किया है, तूने क्या किया है। मैं सब देखता था स्वर्ग से, तू तो उस समय पाप कर रहा था, तू तो उस समय गंदी फिल्में देख रहा था, तू तो उस समय मस्ती में डूबा था, तू तो उस समय बुरी संगत में था, तू तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, मैंने तो तुझे टाइम दिया, मैंने तो तुझे कही तेरे पास कई पास्टरों को सेवकों को भेजा, परंतु तूने उसकी नहीं सुनी। तू तो चादर ओढ़ के पाप कर रहा था, तू तो चादर ओढ़ के गंदे वीडियो देख रहा था, तू तो चादर ओढ़ के गर्लफ्रेंड से गंदे गंदे मैसेज कर रहा था। मैं देखता था, क्या मैं देखता नहीं था? मैं देखता था स्वर्ग से, मैं देखता था स्वर्ग से। ऐसा परमेश्वर बोलेगा, बोलेगा तूने बहुत पाप किए हैं, तूने मन नहीं फिराया, मैंने इसलिए लहू बहाया था, मैंने इसलिए कोड़े खाया था, मैंने इसलिए अपने मुंह पर थुकवाया था कि रोज तू रात में जाकर चादर ओढ़ के सेक्स वीडियो देखे, तू गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात करे, तू पाप करे। क्या मैंने इसलिए अपनी बेइज्जती सही? क्या मैंने इसलिए तेरे लिए जान दे दी? तेरे लिए जान दे दी? जागो, जागो, परमेश्वर बहुत भयानक है, वो न्याय करेगा, वो न्याय करेगा, वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करेगा आपको, किसी के ऊपर रहम नहीं करेगा परमेश्वर। याद रखना, सारी हेकड़ी सारी गर्मी निकल जाएगी, सारी हेकड़ी सारी गर्मी निकल जाएगी। जागो, 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 बीड़ी गुटखा तंबाकू मसाला पत्ती खाने वालों सावधान हो जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो। कब तक मसाला खाते रहोगे? कब तक तंबाकू गुटखा बीड़ी चबाते रहोगे? दारू शराब पीते रहोगे? अरे छोड़ दो, परमेश्वर न्याय करेगा, वो भयानक परमेश्वर है, वो सब कुछ देखता है। आप सोचते हो मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, दो दो घंटे वचन पढ़ता हूँ, परमेश्वर शायद मुझे स्वर्ग लेकर चला जाएगा, तो आप गलत हो। यीशु मसीह हमारा जीवन देखता है, जीवन देखता है कौन कैसे चाल चल रहा है। बहुत सारे लोग चादर ओढ़ के पाप कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बता रहे हैं हम तो चादर ओढ़ के पाप करेंगे, बोलते हैं घर में माता पिता से बोल देंगे मैं जा रहा हूँ रूम में, मम्मी पापा मैं पढ़ाई करूँगा ये करूँगा, मगर वहाँ कुछ अंदर कुछ और ही चल रहा है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। माता पिता सोचते शायद मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो तो अच्छा काम कर रहा है, मगर बच्चा उसका अंदर कुछ गलत ही काम करता रहता है, चादर ओढ़ के काम करता रहता है, पाप करता रहता है, गर्लफ्रेंड से चीटिंग करता रहता है, गर्लफ्रेंड से बात करता रहता है, चादर ओढ़ के सेक्स वीडियो देखता रहता है, पाप करता रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो हस्त मैथुन करते हैं, जो पाप करते हैं, परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं, वे भूल चुके हैं। परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, वो न्याय परमेश्वर है, वो न्याय करेगा। आज लोग परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, आज परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, आज लोग परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं। डर उन्हें इस बात का लगता है कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा न दे दे, मेरी गर्लफ्रेंड कहीं मुझे छोड़ न दे, मैं मर जाऊंगा अगर वो छोड़ देगी, मैं जहर खा लूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज यही हो रहा है, आज बहुत सारे लोग पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उस परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, जिसके कहर से पृथ्वी हल जाती है, भूकंप आ जाते हैं, जो लोग उसके कुल्हड़ को नहीं सह पाते हैं, उस परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं। डर रहे हैं तो गर्लफ्रेंड से डर रहे हैं कि वो मुझे धोखा न दे दे, मुझे छोड़ न दे। याद रखना, जो आप चादर ओढ़ के पाप कर रहे हो परमेश्वर देखता है, सब देखता है परमेश्वर, उसे कुछ नहीं छिपा, पर वो सब देखता है, न्याय करेगा। याद रखना, आशा करते इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किया है, आशा करते इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक, जागो, यीशु आ रहे हैं।